90 का वो दशक जब महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने की बात की जा रही थी, तरह तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन वास्तव में बराबरी का दर्जा देने के लिए समाज तैयार नहीं था। समाज में दबे कुचले लोगों के लिए सरकारी योजनाएं बनाई तो जाती थी, लेकिन धरातल पर उतरने से पहले ही समाप्त हो जाया करती थी। उस दौर में इन महिलाओं की आवाज बनने का बीड़ा रावत ने उठाया और रावत एनजीओ का गठन कर समाज में महिला सशक्तिकरण का काम शुरू किया। जो आपका बेसिक जो टाइपिंग है और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों एमएस ऑफिस है, वो क्लियर किया जाता है और इंटरनेट भी बेसिक क्लियर किया जाता है। बच्चों को बेसिक से लेके सारा डिजाइनिंग तक टोटल इतना सिखाया जाता है कि वो मार्केट में जाके काम करके कुछ पैसा कमा सके, क्योंकि हमारा मेन मकसद है लड़कियों को सशक्त करना। ये तस्वीरें उसी रावत एनजीओ के प्रधान कार्यालय डाबरी दिल्ली की है। देखिए किस तरह से एनजीओ ने कई सेक्शन बनाकर महिला उत्थान का कार्य कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले इस संगठन ने कई काम किए हैं। कुछ ऐसे में ही हमने लोगों से बात की और देखिए किस तरह से इनके जीवन में बदलाव आया है। मैं इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ सीखना है अपनी लाइफ में और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है, इसलिए मैं ये सीख रही हूँ फैशन डिज़ाइनर। मेरा नाम जी है और मैं यहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक कोर्स सीख रही हूँ। यहाँ पे हमने टाइपिंग और वर्ड, एक्सेल, एमएस ऑफिस और इंटरनेट के बारे में ये सब सीखा है और ये जो कोर्स है ये 6 महीने का है। देश में लाखों में समाज सेवी संस्थाएं हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि एनजीओ समाज कल्याण से ज़्यादा अपनी पेट भरने में लगी रहती है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी एनजीओ की पड़ताल की जाए जो जनहित में काम करती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी एक्सप्रेस।